हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और झटपट बनके तैयार भी हो जाते हैं। आप इसको किसी व्रत उपवास में, सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच के लिए या फिर शाम के स्नैक्स में भी बना के खा सकते हैं। देखिए कितना फूला फूला वड़ा बना हुआ है। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से इसमें एक सॉफ्टनेस है। इसे आप हरे धनिया की चटनी के साथ, दही या रायते के साथ, नारियल की चटनी के साथ, जैसे मर्जी चाहे इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। अपने अच्छे अच्छे जो भी सुझाव हैं आपके, जो भी कमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं ये मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनाना। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम साबूदाना लेंगे। तो मैंने साबूदाना को 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से देखिए फूल चुका है। साबूदाना भिगोने की बहुत सारी वीडियोज मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो 2.5 कटोरी मैंने ले लिया है साबूदाना और 1 कटोरी मैंने ली है मूँगफली, जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया है, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक किया है ना बहुत ज़्यादा इसको मोटा रखा है। और ये कुछ आलू हैं जिनको मैंने उबाल के रख लिया था। देखिए इसमें कोई भी आपको फिक्स मेजरमेंट नहीं है कि आपको ये चीज़ ज़्यादा लेनी है या फिर ये चीज़ कम लेनी है, आप कोई सी भी चीज़ इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू को अच्छे से ठंडा करने के बाद अब हम इनको इस तरह से ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर देंगे या फिर आप चाहें तो मैसर से इनको मैश भी कर सकते हैं। इस तरह से ग्रेट करने से क्या होता है, इसमें मोटे मोटे चंक्स नहीं रहते हैं और अच्छे से फिर ये बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू ग्रेट कर लिए हैं। और अब इसमें मैं डालूंगी ये 2 चम्मच कुट्टू का आटा। आप इसकी जगह समा के चावल का आटा ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली अगर बना रहे हैं तो चावल का आटा या फिर मैदा भी ली जा सकती है। पर मैं क्योंकि उपवास में खाने वाली हूँ इसलिए मैंने व्रत वाला ही आटा लिया है। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। अगर आप रेगुलर ऐसे ही बना रहे हैं तो आप इसमें अपना रेगुलर वाला नमक डाल सकते हैं। मैंने रॉक सॉल्ट डाला है, मतलब कि सेंधा नमक। अब इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्च काट के और थोड़ी सी आप इसमें काली मिर्च भी कूट के डाल दीजिए। फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। थोड़ा सा डाल दिया हरा धनिया और अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें आपको आटा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपने देखा मैंने सिर्फ 2-2 चम्मच के जितना ही डाला है। और आलू को आपको ठंडा करने के बाद ही इसके अंदर मिक्स करना है। अगर आलू हमारा गरम गरम होता है तो क्या होता है, नमक के कांटेक्ट में आने के बाद फिर उसमें से मॉइस्चर रिलीज हो जाता है और फिर हमारे वड़ा शेप नहीं ले पाते अच्छे से और वो फटने भी लग जाते हैं। और अभी आप देखिए कितना अच्छा सूखा सूखा डो बना है, बिल्कुल भी ये हाथों पर ज़्यादा चिपक नहीं रहा। अब इसको हम बाइंड करके रख देंगे एक तरफ। अब इसको रेस्ट वगैरह देने की भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, फटाफट से अब इसमें से हम वड़े निकालेंगे। पहले हमें हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लेना है ताकि बिल्कुल भी चिपके नहीं। और इस तरह से देखिए पहले लड्डू की तरह इसको गोल गोल करेंगे और उसके बाद दोनों हथेली के बीच में डाल के हम इसको वड़ा का शेप दे देंगे। इसको अलग से प्लेट में रखते जाएंगे। दोबारा से हाथ को चिकना करके उसी तरीके से हमें सारे वड़े अपने बना के तैयार कर लेने। हर बार आप हाथ पे अगर ज़रा सा ऑयल लगा लेंगे ना तो चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो एक बैच मैंने देखिए बना के रख लिया है। साइड में मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा डो डाल के हम चेक करेंगे। देखिए तुरंत तैर के ऊपर आ गया है, मतलब तेल हमारा बिल्कुल सही गर्म है। अब गैस की फ्लेम को हम रख देंगे मीडियम पे और जो वड़ा हमने बनाए हैं इनको फ्राई कर लेंगे। एक बार में जितने आपके तेल में वड़ा आ जाए उतने डाल के आप फ्राई करें। मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है और शुरू के 2-3 मिनट हम एक तरफ से इनको सिकने देंगे। जब ये हल्का सा नीचे से कलर चेंज कर लेंगे, थोड़े से टाइट हो जाएंगे, उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। देखिए नीचे से थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया।
अगर तुरंत आप इस पे चम्मच वगैरह लगा देंगे तो फिर वड़ा फट जाएगा, क्योंकि आलू और साबूदाना दोनों बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। उनको सेट थोड़ा सा हो जाने के बाद ही आपको पलटना है और दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें वड़ा को फ्राई करना है। मेन इसमें सिर्फ दो या तीन चीजें ही जाती है, जैसे कि साबूदाना, मूंगफली और आलू। देखिए कितना बढ़िया वड़ा बन गया, बहुत अच्छा इस पे गोल्डन कलर भी आ गया है। अब हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे और मसाले भी, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। अगर आप इसको वैसे ही घर पे नाश्ते वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आप अपने मनपसंद मसाले जैसे कि चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कलर आ गया इस पे गोल्डन। और ये बिल्कुल भी ऑयल को नहीं सोखते हैं। और बचे हुए साबूदाना भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। तो देखिए ये भी कितने अच्छे फ्राई हो गए, इनको भी निकाल लेंगे। इस वड़ा के साथ खाने के लिए मैंने मूंगफली और हरे धनिया की चटनी बनाई है। आप इनको दही के साथ, रायते के साथ, जैसे खीरे टमाटर वगैरह के रायते के साथ भी खा सकते हैं। या फिर आपके पास नारियल है, फ्रेश नारियल, तो उसके साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। ये हमारा खीरे और टमाटर का रायता, साथ में आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी फ्राई करके ले सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि कितनी आसानी से हमारे वड़ा बनके तैयार हो गए। ये टेस्टी भी बहुत बनते हैं, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आते हैं। तो अब जब भी आप कोई व्रत उपवास करें या फिर आपको वड़ा खाने का मन करे, आप इनको अपने घर पे ही बना के खाइए, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। इसको सर्व किया है हमने हरे धनिए और मूँगफली की चटनी, साथ में टमाटर और खीरे के रायते के साथ। आप इनको ऐसे ही चाहें तो टोमेटो केचप के साथ या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये कितना बढ़िया वड़ा फूला हुआ है। और इन वड़ा में बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता, बहुत कम तेल में ये बनके तैयार हो जाते हैं। मैंने इनको डीप फ्राई किया, आप चाहें तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक साबूदाना अभी तोड़ के दिखाती हूँ, यहाँ पर कितना बढ़िया, आप समझ जाएंगे कि कितने क्रिस्पी होंगे ये। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साबूदाना टूटने से ही। एक और तोड़ के देख लेते हैं, है ना एकदम मज़ेदार से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को गुड बाय, और आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि।